Thank you. How are you doing? Very well, thank you so much. And this new song, Honey Bunny, is coming and it's making quite a buzz these days. So where the jump has started? How did it start? How did you sing in the singing? Well, I started singing. Singer तो हमेशा से ही आई ऑलवेज लव्ड सिंगिंग आई ऑलवेज एंजॉयड म्यूजिक अ लॉट बट टू ईयर्स बैक आई संग ट्रैक होश वालों को खबर क्या अलॉन्ग विथ माई इंग्लिश जो मुझे पसंद है सारे ऑल मैशअप बना के मैंने एक गाना प्रिपेयर किया ट्रैक तैयार किया एंड देन आई जस्ट पोस्टेड इट एंड एवरीबडी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू व्हेन यू कैन सिंग यू शुड डू इट And sometimes when you are just busy in acting, you don't think कि आपके पास क्या special talent है आप किसको आगे उसके साथ बढ़ सकते हो So I had time with me where I decided that I should pursue in singing. I am not here to obviously become Lata Mangeshkar or to you know prove myself I'm the best, but I have certain kind of songs in my mind and I am trying to make that and let's see now how it goes so Honey Bunny was something which came in my mind as any girl any guy when they fall in love they call their girlfriends and boyfriends with certain cute names Honey Bunny is one of the most famous one so I picked that up and then we created a song Honey Bunny सारा लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस गाने को बहुत लाइक्स और बहुत व्यूज मिल रहे हैं कोई भी चाहता है चाहत तो किसी की भी होती है कि वैन यू आर मेकिंग समथिंग पीपल शुड अप्रिशिएट इट शुड लाइक इट सो ऑब्वियसली चाहत मेरी ज़रूर थी बट अभी स्टार्ट हुआ अभी येस्टरडे ओनली वी हैव रिलीज दिस सॉन्ग सो नाउ सी हाउ इट गोज इन एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी हैं कि एवरी वन शुड लव इट नाउ लेट्स सी हाउ मच इट्स इन पंजाबी राइट या इट्स इन पंजाबी तो मतलब पंजाबी में जाने का कुछ स्पेसिफिक कारण था कि हिंदी नहीं करना कुछ चीजें ऐसी नहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में बोलते हुए बुरी लगती हैं पर वही चीज आप पंजाबी में जब बोलते हो तो वो बहुत ब्यूटीफुल साउंड करती हैं ये मैंने नोटिस किया है और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से पंजाबी सरदार ही रहे हैं और मैं उस बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रही हूँ पंजाबी सराउंडिंग्स मेरे बहुत सारे रहे हैं सो आई व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट सॉन्ग ब्लैक हार्ट सो उसमें जब मुझे कुछ चीज़ें अपने बारे में बतानी थी तो जब वो पंजाबी में मैं सोच रही थी तो वो ब्यूटीफुल लग रही थी ऑन दी अदर हैंड हिंदी में वो थोड़ी वियर्ड लग रही थी सो वहाँ से फिर पंजाबी से मुझे पता नहीं कि वो पंजाबी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज उर्दू एंड पंजाबी इज सम हाउ बहुत सिमिलर है सो आई जस्ट लव पंजाबी लैंग्वेज आई मेक मोस्टली माई सॉन्ग्स इन पंजाबी सारा अमूमन देखने को मिलता है कि पंजाबी सिंगर्स जो गाने गाते हैं जो भी उनका ट्रेंड चलता है वो यहाँ पे आके प्रमोट करते हैं या कॉन्सर्ट्स करते हैं और बहुत मतलब बहुत हिट भी होते हैं एंड दैट कॉन्सर्ट्स एंड दोज ऑल थिंग्स गिव देम पब्लिसिटी एज वेल तो क्या इस बार ऐसा होने वाला है कि सारा खान जाएंगी पंजाब इसको प्रमोट करने आई डोंट नो लेट्स सी जस्ट द लव फॉर पंजाबी इज टू मच हियर So I am just making the songs in Punjabi. Now let's see if they like it because I really work hard with the accent because Punjabi, अगर आप बोल रहे हो तो बहुत सारी English की भी चीज़ें जो हैं जैसे Honey Bunny में word है Range Rover. So like that you know you have to pronounce in a different way Punjabi के जब आप गाने गा रहे होते हो तो सो वो प्यार मेरा है पंजाबी के लिए बट लेट्स सी अब वहाँ से उतना प्यार मिलता है या नहीं दैट इज़ कम्प्लीटली on them punjab punjab aur punjabiyat ki baat kare to uska ek apna swag hai yeah. uska apna ek apna tone hai yes. to wo tone aapne kaise pakda kahan se liya bachpan se hi aapko jaise aapne bola dost se ji mere dost mere aas paas hamesha my best friend is surbhi davar jo ki bhopal se she is punjabi and angad hasija jo mere yahan pe best friend hai wo bhi punjabi तो उन लोगों के साथ रह रहे के मुझे पूरे टाइम पंजाबी सुन सुन के आई नो इट वेरी वेल नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इन पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड एंड जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो वो डेफिनेटली आई नीड समबडी टू यू नो करेक्ट इट सो दे डू इट एंड देन आई डू द सॉन्ग्स इफ गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू डू अ कॉन्सर्ट इन पंजाब लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉन्सर्ट्स वेरी सून यू विल बी कमिंग फॉर दैट मुंडा कहंदा मैनू बन मेरी हनी बनी रेंज रोवर है गड्डी सूट है अरमनी
ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇਰ ਐਨੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫॉर ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ firstly I am preparing for a lot of songs currently few are writing and few are in making so shooting we are next week we are planning for our another songs and my own application is coming in the market very soon Sara Khan official application whereas I have produced short films my songs and web series and a reality show on that so it's coming very soon end of this month we will definitely announce about it. Great. So kya hum keh sakte hain ki Sara Khan the actress Sara Khan is turning into singer and an entrepreneur I always wanted to be an entrepreneur I was looking forward to you know okay. and now I'm working hard towards it so yes inshallah Sara video jab bhi aap koi वी शॉट दिस हनी बनी सॉन्ग इन दुबई बिकॉज हमें बहुत लैविश कार्स एंड वी वॉन्टेड टू शो ह्यूज बिल्डिंग्स सो दुबई इज माई फेवरेट प्लेस सो हमने वहाँ पर शूट किया ऐसे एंड द कार्स आर वेरी ईजिली अवेलेबल देयर प्लस यू हैव गुड ब्रॉड रोड्स वेर यू कैन शूट नाइसली सो दैट इज द रीज़न वी चोज दुबई जो मैं कॉन्सर्ट में गाने गाने वाली हूँ हाफ ऑफ देम आर नेहा कक्कड़ सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है नेहा आई जस्ट लव हर एंड बाकी आई लव Jennifer Lopez she's amazing I just love her and yeah so I'm just trying to follow my idols and trying to grow kitne logon ne is baat ka compliment diya your voice sound very similar to Neha really this is a big compliment for me thank you so much few people have said that but thank you so much